हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओनली फॉर नॉलेज में। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस प्रैक्टिस सेट के ओल्ड पेपर के सेट 70 अर्थात 70 की। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2017 के हम ओल्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। 3 सितंबर 2017 की मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर हमने शुरू किया था, इसका प्रथम भाग हमने डिस्कस कर लिया था। बढ़ते हैं द्वितीय भाग की ओर। द्वितीय भाग आप अपने स्तर पर भी हल कीजिएगा और आपके जितने भी नंबर आए वो नंबर मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड पर आज हम चर्चा करेंगे और जो भी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही आपने अन्य विचारों को भी कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिए। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का प्रथम प्रश्न, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो यहाँ क्रम देखते हैं, क्रम क्या चल रहा है। यहाँ से ये जो ब्लैंक है ये यहाँ से यहाँ आ गया। देखिए सेकंड वाले में यहीं पर दे रखा है, यानी कि 1, 2, 3, 4 चौथे नंबर पर रिवर्स आया है। अब सेकंड से थर्ड में क्या हुआ, तो यहाँ से फिर ये यहाँ आ गया है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ये। पहले चार नंबर तक चला, उसके बाद दूसरे नंबर तक चला, यहाँ से फिर ये चार नंबर तक चलेगा। ये देखिए यहाँ से फिर यहाँ आया है फोर्थ आकृति में। अब यहाँ से अगली आकृति में ये कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, क्योंकि दो बार चलेगा, एक बार चार खाने आगे चल रहा है, एक बार दो खाने आगे चल रहा है, फिर चार खाने, फिर दो खाने। तो अब यहाँ पर यानी कि फर्स्ट ऑप्शन में जो दे रखा है यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि निम्न दो वर्ग अतिव्यापित होते हैं तो निम्न में से कौन सा विकल्प बनता है? अतिव्यापन का मतलब है कि ये पूरा का पूरा ऐसा कैसा यहाँ पर आकर बैठ जाएगा, उल्टा सीधा नहीं होगा। यानी कि ये जो एरो यहाँ पर है ये ऐसा कैसा यहीं पर होगा, यहाँ पर सीधी लाइन बना रखी है, तो ये एरो अगर उस लाइन के ऊपर बैठेगा तो यहाँ ये लाइन भी किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये एरो में परिवर्तित हो जाएगी, ठीक है ना। इसी प्रकार ये सेकंड वाला एरो इसकी सेकंड लाइन पर बैठेगा तो ये भी एरो बन जाएगा। फिर यहाँ इसके पास थर्ड लाइन में एरो है और यहाँ थर्ड में लाइन है, तो ये एरो भी, ये लाइन भी एरो बन जाएगी। इसी प्रकार से आकृति जो है हमको नई प्राप्त होगी, और वो आकृति कौन सी होगी, वो आकृति जो फर्स्ट ऑप्शन में दे रखी है ऐसी एक आकृति हमको अतिव्यापन होने के बाद प्राप्त होगी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि निम्न चित्र में आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हो और एम वृत्त का वह बिंदु है जो आयत के कोने से जुड़ा हुआ है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ध्यान रखना आयत जो है वो ये है, ये आयत है, यहाँ जो है एम जो है वो वृत्त का वह बिंदु है जो इससे जुड़ा हुआ है, तो हमको इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त की ज्ञात करने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो हमको दे रखे उसका गुणा कर दीजिए, यानी कि इस वृत्त का जो क्षेत्रफल है वही इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या निकल रहा है, 5 धाम 50। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में, सॉरी फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सॉरी, नीचे दिए गए क्रम में अगली आकृति कौन सी आएगी? तो पहले तो क्रम समझते हैं। देखिए यहाँ क्रम क्या दे रखा है, वो क्रम हम बना लेते हैं। पी, ये देखिए पी, पी के बाद क्या आया, जेड आया, जेड, जेड के बाद प्लस आया, ये प्लस, प्लस के बाद फिर एट द रेट आया, ये एट द रेट, एट द रेट के बाद फिर क्या आएगा, एट द रेट के बाद फिर एस आएगा, ये एस आया, एस के बाद फिर क्या आएगा, हेज आएगा, तो ये हेज आया। अब हेज के बाद, तो हेज के बाद यहाँ से पता चलता है कि हेज के बाद पी आएगा, तो हेज के बाद फिर से पी आएगा, मतलब ये यहाँ से फिर से वही आकृति शुरू हो जाएगी। पी के बाद देखिए फिर से जेड आ रहा है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं यहाँ हमारा अगला क्या बनेगा, आप अपनी कॉपी में बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शंस जो है वो आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से बड़े बड़े ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो उस समय आपको रफ शीट पर बना लेनी है आकृति। तो यहाँ प्लस दे रखा है ऊपर, तो प्लस के बाद क्या आता है, प्लस के बाद आता है एट द रेट, तो यहाँ आएगा एट द रेट, यहाँ एट द रेट दे रखा है, एट द रेट के बाद क्या आता है, तो एस आता है, तो यहाँ बना देता हूँ मैं एस। यहाँ पी दे रखा है, पी के बाद क्या आता है, पी के बाद ये देखिए पी के बाद जेड आता है, तो यहाँ जेड आ जाएगा। यहाँ जेड दे रखा है, जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद प्लस आता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ एस दे रखा है, एस के बाद क्या आता है, हेज आता है, तो ये हेज आ जाएगा। फिर हेज दे रखा है, हेज के बाद क्या आता है, तो हेज के बाद फिर से घूम पर पी आ जाता है, ये हो गया पी। यानी कि ये जो आकृति है यही हमारा आंसर होगी। तो आकृति हम मिलाते हैं, आकृति जो फर्स्ट वाली दे रखी है वही हमारा आंसर थी, ठीक है ना। अब मैंने तो वो मिटा दिया है तो हमको पता कर नहीं चलेगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में बनाइएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कौन सा हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न।
औसत निकालिए। तो औसत निकालना है यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन 6 संख्याओं को जोड़ना है और इसमें 6 का भाग देना है। तो जोड़ते हैं, 2 और 6, 8 और 12, 20 और 20, 40, 40 और 26, 46, 46 और 36, 102। तो 102, 102 में 6 का भाग देंगे तो 6 कम 6, 6 7 यानी 17 जो है इसका औसत है। ठीक है, चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। महेश 2 कारें बेचता है जिनमें से प्रत्येक की कीमत 175,000 रुपये है। इस दर से बेचने पर उसे एक कार पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि हुई, तो कुल लाभ व हानि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ उसकी कीमत की कोई आवश्यकता नहीं है हमको, ठीक है ना, बिना कीमत के भी हम कर सकते हैं क्योंकि एक पर 15% का लाभ, दूसरे पर 15% की हानि हुई है। तो मान लेते हैं कि क्योंकि ये मूल्य बहुत बड़ा है इसलिए मैं ऑप्शन का उपयोग नहीं कर रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ कि 100 रुपये में बेचा है प्रत्येक को। तो जब इसको कार को एक कार पर 15% का लाभ हुआ तो उसका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो 100 बटे 115 गुणित 100, ये हो जाएगा लाभ वाली कार का क्रय मूल्य, ठीक है ना, इसको हल करने पर आ जाएगा। अब जिस पर हानि हुई उसका क्रय मूल्य क्या आएगा, उसका क्रय मूल्य आएगा 100 बटे 85 गुणित 100। अब यहाँ मैंने बटे में 85 और 115 क्यों किया, क्योंकि 15 घटाया तो 85 आ गया और 15 जोड़ा तो 115 आ गया। तो ये लाभ वाली का क्रय मूल्य आ जाएगा, ये हानि वाली का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इसका क्रय मूल्य और इसका क्रय मूल्य दोनों का क्रय मूल्य हमको क्या कर देना है, जोड़ देना है, तो हमको कुल क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो पहले तो मैं ज्ञात करता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप, क्योंकि यहाँ थोड़ा दशमलव में या बटे में आंसर आएगा। मैं पर्सनली कैलकुलेशन कर रहा हूँ क्योंकि फिर टाइम अपना वेस्ट हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ जो आंसर आ रहा है 100 गुणित 100 बटे 115 का आंसर आ रहा है 86.95 और 100 गुणित 100 बटे 85 का आंसर आ रहा है 117.64। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्रय, ये क्या है, ये क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब इस दाम पर इस कार को खरीदा था और यहाँ इस दाम पर इस कार को खरीदा, दोनों कारों के क्रय मूल्य को जोड़ लेते हैं तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा 204.59। ठीक है, 204.59 जो है वो कुल क्रय मूल्य है, ये मैं इसको मिटा देता हूँ। तो कुल क्रय मूल्य हमारे पास 204.59 रुपये और विक्रय मूल्य कितना है, अगर 100 में प्रत्येक को बेचा, हमने मान लिया था 100 क्योंकि ये कीमत बड़ी है तो हमने 100 मान लिया, तो दो वस्तुओं को बेचा तो 200 जो है वो क्रय मूल्य हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, तो लाभ हानि कितने की हुई, क्योंकि 204 में उसने खरीदा और बेचा कम है तो उसको हानि हुई कितने की, तो 4.59 की। तो हानि प्रतिशत हमको निकालना है, तो 4.59 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी कि 204.59 गुणित 100। ठीक है, 4.59 बटे 204.59 गुणित 100, तो 2 दशमलव से दशमलव हट जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ भाग ही देना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं बचता है। तो भाग देने पर हम पाते हैं कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 2.243 यानी कि लगभग 2.25%, जो कि हमारा आंसर है। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। कैलकुलेशन थोड़ी कठिन थी इसलिए मैंने वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशन कर ली थी, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न है। यदि 3 संख्या 3:2:5 के अनुपात में इस प्रकार है कि उन संख्याओं के वर्गों का योग 18/62 है तो मध्य की संख्या क्या होगी। तो मान लेते हैं कि एक जो है वो 3x है, x लगा देते हैं सबके साथ, तो इनके वर्गों का योग यानी कि 3x का वर्ग क्या हो जाएगा, 9x² प्लस 2x का वर्ग क्या हो जाएगा, 4x² प्लस 5x का वर्ग क्या हो जाएगा, 25x² इनके वर्गों का योग कर दिया मैंने, वर्ग भी कर दिए, सबको जोड़ भी दिया, क्या है योग, 1862 है, 1862 है। अब जोड़ लेते हैं, 9 और 4 13 13 और 25 कितना होगा, 38 x² = 1862। भाग देते हैं 38 से, 2 से काटते हैं तो 19, 2 से यहाँ काटेंगे 2 9 18, 2 3 6, 2 1 2, 19 से काटेंगे 19 4 76,
और 19 * 171 49 x² = 49 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा इसका, यानी कि x बराबर आएगा 7। अब उसने क्या बोला, मध्य की संख्या, मध्य की संख्या है 2, तो 2 का 7 में गुणा कर देते हैं क्योंकि x का मान 7 है, 2 2 7 14 हो जाएगी मध्य की संख्या। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, सॉरी 10 14 और 986 का गुणनफल क्या होगा। तो या तो फिर आप इसका डायरेक्ट गुणा कर लीजिए, या फिर मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता देता हूँ। ये जो है, इस प्रकार के गुणनफल अगर डायरेक्ट पूछे जा रहे हैं, मतलब ये किसी ट्रिक से होने वाले सवाल है। कैसे, तो देखिए, इसको मैं 1000 + 14 लिख सकता हूँ, 1014 को 1000 + 14 लिखा जा सकता है, और 986 को क्या लिखा जा सकता है, 1000 - 14 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। 1000 में 14 जोड़ेंगे तो 1014 आ जाएंगे, 1000 में 14 घटाएंगे तो 986 आ जाएंगे। तो a + b a - b वाला फॉर्मूला बन गया, तो a² - b² यानी कि a² क्या हो जाएगा, 1000 का² हो जाएगा, 30 और लग जाएगी, -14 का² मतलब कि 196, तो घटा लेते हैं तो आंसर आता है 999804। सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। एक आदमी 2 रेडियो बेचता है जिनमें प्रत्येक की कीमत 924 है। एक रेडियो की बिक्री पर उसे 20% का लाभ हुआ, दूसरे पर 20% की हानि हुई, तो उसके द्वारा संपूर्ण लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो चलिए इस बार मैं आपको इसी मूल्य से करवा देता हूँ, ठीक है ना। 924 रुपये में उसने क्या बेचा, प्रत्येक को बेचा, तो एक पर उसको 20% का लाभ हुआ, यानी कि 924 बटे लाभ वाले का क्या हो जाएगा, 120 बटे 120, और गुणित में आ जाएगा 100, 10 से 10 कट जाएगा, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, फिर 12 7 84, यानी कि ये हो जाएगा 770 इसका क्रय मूल्य, ठीक है। फिर 924 गुणित दूसरे की बिक्री पर 20% की हानि हुई, हानि हुई यानी कि बटे में आएगा 80, क्यों, क्योंकि 20 घटा दिया, गुणित में आएगा 100, तो 20 5 100 और 20 4 80, 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 4 3 12, 4 1 4, 231 में 5 का गुणा करते हैं, तो 231 में 5 का गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 5 1 5, 5 3 15, 5 2 10 और 11 11 55, 11 55 और 770 को जोड़ लेते हैं तो क्या आएगा, 5 7 और 5 12 18 और 1 19 1925 जो है वो क्या था, इनका क्रय मूल्य था। अब विक्रय मूल्य कितना है, तो विक्रय मूल्य जो है वो देख लेते हैं, 924 में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि 2 वस्तुएं बेची है, तो 9 2 18 24 2 48, 18 48 में उसने बेच दिया, और ख़रीदा कितने में था, ख़रीदा था 19 25 में, मतलब उसको हानि हुई है। हानि कितने प्रतिशत की हुई है वो आप निकाल सकते हैं, हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100 वाले फॉर्मूले से, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, अगले 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो ऑप्शन से हम कर सकते हैं, ऑप्शन दे रखा है 18 वर्ष, व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है, अगर पुत्र की वर्तमान आयु 18 है तो उसकी आयु क्या हो जाएगी, 24 जोड़ देंगे हम, यानी कि उसकी आयु हो जाएगी 42। अगले 2 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष में इसकी हो जाएगी 20 और इसकी हो जाएगी 44, तो क्या दुगनी हो रही है, नहीं हो रही है। चलिए सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, 20 में अगर मानते हैं तो यहाँ हो जाएगा 24 वर्ष बड़ा, यानी कि 44 वर्ष का हो जाएगा। अब 2 वर्ष बाद ये हो जाएगा 22 का और ये हो जाएगा 46 का, तो 22 का दुगना 46 है, नहीं है, गलत हो गया। 14 के बाद फिर 24 वर्ष बड़ा है, यानी कि हो जाएगा 3 8 38 का। अब 14 में 2 वर्ष बढ़ा देते हैं तो 14 और 2 16, 38 और 2 40, क्या 16 का दुगना 40 है, नहीं है। 22 में फिर 24 वर्ष बढ़ाते हैं तो हो जाएगा 46, ठीक है। अब 22 के बाद ये 2 वर्ष का हो जाएगा तो 24 का हो जाएगा, और ये 2 वर्ष के बाद तो 48 का हो जाएगा, 24 का दुगना 48 है, बिल्कुल है, यानी कि 4th ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, इसको आप एक्स मानकर भी कर सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न श्रृंखला के प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा। अब ये श्रृंखला कैसी चल रही है वो देख लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, शॉर्टकट भी लगा सकते हो आप, और वो समांतर श्रेणी वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, दोनों फॉर्मूले मैंने आपको बता रखे हैं। 0.5 से 1.5 यानी कि +1 हुआ,
यहाँ देख रहे हैं तो प्लस 0.5 हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं तो भी प्लस 0.5 हो रहा है, मतलब यहाँ हिंदी में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, अंग्रेजी देखते हैं 0.5 फिर 1 फिर 1.5 फिर 2.5 फिर 2.0, मतलब सब में यहाँ देखने पर क्या प्राप्त हो रहा है कि सब में 0.5 ही जुड़ रहा है। यहाँ जो 1.0 लिखा हुआ अंग्रेजी में है वो हिंदी में 1.0 छपना भूल गया, छापना भूल गया, इसलिए गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। क्वेश्चन में मिस्टेक है और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन हल करते हैं। तो योग ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला मैंने बताया था कि ए प्लस एल, ठीक है ना, ए प्लस एल बटे दो, ये हो जाएगा इनका औसत। अब योग ज्ञात करना है तो कुल जितने पद है, कितने पद है यहाँ पर, 20 पद है, तो 20 का हम गुणा कर देंगे, ठीक है ना। अब ए प्लस एल मतलब प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, तो प्रथम संख्या तो हमको पता है 0.5 है, अब अंतिम संख्या क्या होगी, तो अंतिम संख्या हम निकाल सकते हैं 20 का इसमें गुणा करके, तो 20 का इसमें गुणा करते हैं तो अंतिम संख्या आ जाएगी 10। तो 10 में 0.5 जोड़ेंगे, ए प्लस एल मतलब भाई 10 में 0.5 जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 10.5 बटे 2 गुणित 20, ठीक है, 2 से 20 कट जाएगा, 2 धन 20, 10 का 10.5 में गुणा करते हैं तो 105 आंसर आ जाएगा, जो कि सेकंड ऑप्शन में दे रखा है। आप इनको जोड़ भी सकते हैं, किसी और विधि से भी कर सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसी विशेष दिन घड़ी में पूर्वाह्न 8 बजे और अपराह्न 6 बजे तक के बीच 10.5 सेंटीमीटर घंटे वाली सुई और 14 सेंटीमीटर की मिनट वाली सुई द्वारा तय की गई दूरियों का अंतर कितना होगा, इस प्रकार का एक प्रश्न पिछली बार भी हमने देखा था और मैंने आपको करवाया भी था। घबराइए मत, ये फिर से मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि यहाँ थोड़ा और कठिन प्रश्न है। ये मिनट वाली सुई है और ये घंटे वाली सुई है। अब मिनट वाली सुई कितनी दूरी तय करेगी, आपको पता तो है ना कि सुई दूरी तय करने के लिए हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं वृत्त का। क्यों लगाते हैं वृत्त का, एक बार फिर समझा देता हूँ। ये मान लेते हैं घड़ी है, तो अगर ये सुई चारों ओर घूम रही है मतलब क्या बना रही है, वृत्त ही बना रही है, तो वृत्त वाली दूरी ही तय कर रही है। वृत्त वाली दूरी मतलब ये 2πr जो इसकी परिधि है यही वो तय कर रही है ना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2πr का मान निकालेंगे, एक चक्कर के लिए 2πr का मान आ जाएगा, दो चक्कर के लिए तो 2πr में 2 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक, यानी टोटल कितने घंटे हो गए, फिलहाल 10 घंटे हो गए। 10 घंटे तक अगर ये मिनट वाली सुई की मैं बात करूँ तो 10 घंटे तक अगर मिनट वाली सुई गोल गोल घूम रही है मतलब वो 10 चक्कर उसने पूरे कर लिए, और इसके लिए परिधि का फॉर्मूला वही 2πr, यानी कि 2 × π × r, r मतलब कि 14, 10 चक्कर हुए इसलिए इसमें मैं 10 का गुणा कर दूंगा। एक चक्कर के लिए एक परिधि, 10 चक्कर के लिए 10 का गुणा, इसको घटाएंगे हम, क्यों, क्योंकि उसने अंतर ही पूछा है। ये 10.5 सेंटीमीटर वाली घंटे की सुई है, घंटे की सुई आपको पता होगा कि घंटे की सुई जो है वो पूरा चक्कर नहीं लगाती है, एक घंटे में वो थोड़ा सा ही खींच सकती है, ठीक है ना, वो 12 घंटे में पूरा चक्कर लगाएगी, इतना तो आप समझते हैं। अब यहाँ 12 घंटे पूरे नहीं हो रहे हैं, यहाँ 10 घंटे ही पूरे हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो 12 घंटे का ही मान निकलेगा 2πr से हमारे पास, तो 2πr करते हैं हम, 2π × r, r यानी कि 10.5। अब हमको पूरा चक्कर नहीं चाहिए, हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक, यानी 10 घंटे का ही मान, तो ये जो है ये पूरे 12 घंटे का मान है, तो सबसे पहले एक घंटे का मान निकालने के लिए मैं इसमें 12 का गुणा कर देता हूँ। अब 12 का भाग दे देता हूँ और 10 का गुणा करूँगा तो 10 घंटे आ जाएंगे, आगे बात समझ में, क्यों, क्योंकि ये पूरा चक्कर लगाता है तो 2π × 10.5 से काम हो जाता। अब इसने पूरा चक्कर कहाँ लगाया, इसने 10 घंटे का ही चक्कर लगाया, तो इसके लिए मैंने क्या किया, 12 का भाग दे दिया। 12 का भाग क्यों, क्योंकि 12 घंटे होते हैं टोटल एक चक्कर में, और 10 का गुणा, 10 का गुणा क्यों, क्योंकि फिलहाल वो 10 घंटे घूमा है, ठीक है ना। अब इसको हम हल करते हैं, तो 2π दोनों में कॉमन आ जाएगा, 2π को कॉमन निकाल लेते हैं, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 14 × 140, ठीक है ना। फिर यहाँ 105 में 10 का गुणा, 10.5 में 10 का गुणा होगा, 105 हो जाएगा, 3 से काट देते हैं, 3 × 3 9 3 5 15, फिर 3 × 4 12 हो जाएगा, 35/4, 35/4 यानी कि चलिए बटे में ही लिख लेते हैं, 35/4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करेंगे, 2π को भी ओपन कर देते हैं, 2 × 22/7 गुणे 14 का 140 का 4 में गुणा होगा तो 14 × 56, 56 यानी कि 560, 560 में 35 जोड़ेंगे तो 595
बटे में चार, ऐसा कैसा है? तो दो से चार कट जाएगा, दो दूनी चार, फिर दो से ग्यारह बार कट जाएगा, सात से सातों सात उनपचास, सातों आठ छप्पन, फिर सातों पंजे पैंतीस, ग्यारह का पिचासी में गुणा करते हैं तो आंसर आता है 825 सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था ऊपर वाला, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था थोड़ा क्या। चीनी के एक 4 लीटर विलयन जिसमें चीनी की मात्रा 25% है, में यदि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए विलयन में चीनी की मात्रा क्या होगी? तो फिलहाल देखते हैं क्या सिस्टम है। 4 लीटर विलयन जिसमें चीनी की मात्रा 25% है, तो 4 लीटर विलयन है, चीनी की मात्रा 25% है, मतलब कि 1:3 का विलयन है, क्योंकि 25% तो 1 का ही अनुपात होता है और 75% बाकी की 3। समझ में आ रही है बात? अब चीनी का 4 लीटर का विलयन है तो उसके हिसाब से यही बात सही है, 4 लीटर के विलयन में 1 लीटर जो है वो चीनी है, सी फॉर चीनी और डब्ल्यू फॉर वाटर, ठीक है ना। वाटर कितना है? 3 लीटर है। अब वो बोल रहा है कि यदि 1 लीटर पानी और मिला दिया जाए, यानी कि वाटर कितना हो जाएगा, 3 में 1 लीटर और मिला देंगे तो 4 लीटर, चीनी तो उतनी ही, तो नए विलयन में चीनी की मात्रा क्या होगी? तो नया विलयन टोटल कितना है, 4 और 1 5 लीटर है, तो 5 का कितना प्रतिशत, x बटे 100 क्या है, चीनी की मात्रा है, यानी कि 1 है, तो 5 से 100 को काट देते हैं, 20, 20 का 1 में गुणा कर देंगे तो 20% आ जाएगा हमारा आंसर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। सुरेश ने कहा कि मुझे मिलाकर तीनों मेरे तीनों कजिन्स की उम्र 50 वर्ष है, यदि तीनों ही की उम्र, ये तीनों ही गलत है, आल मतलब सभी की उम्र आएगा यहाँ पर, सभी की उम्र यदि अभाज्य संख्याओं में हो तो उनके कजिन्स की उम्र क्या है? तो सभी की उम्र अभाज्य संख्या में है तो हम ऑलरेडी अभाज्य संख्याओं का एक क्रम बना सकते हैं, शुरुआत से चले तो 3, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में तो 2, 3 तो कुछ दे ही नहीं रखा है, तो 2, 3 तो हटा ही देते हैं, ये 7 है ना, तो 5, 7, 9, 11, 13, 19 यहीं तक मैंने इसलिए लिखे क्योंकि पहले इसको इनमें से ही ऑप्शन में दे रखे हैं। अगर सीरियल से गिनते हैं इन चारों को, तो इन चारों का योग करते हैं तो 5 और 7, 12 और 9, 21 और 11, 50 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, मतलब 5 को भी हटा देते हैं। अब 7 से लगा के 13 तक को जोड़ते हैं, 7 और 9, 9 और 7 16, 16 और 11 क्या होगा, 27, 27 और 13 40, 40 हो रहा है, 50 नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब हो सकता है इनमें थोड़ा सा ही हमको 40 की जगह 50 करना है, यानी कि 9 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 19 को ले सकता हूँ, तो 10 अपने आप बढ़ जाएंगे, तो इस 9 को हम हटा देते हैं, तो 7, 11, 13, 19 ये जो है ये हमारी उनकी एज हो जाएगी। एक बार फिर जोड़ देते हैं, 7 और 11, 18, 18 और 13, 31 और 19, 50, बिल्कुल उनकी उम्र जो है वो उनकी उम्र का योग 50 है। अब उसके कजिन्स, कजिन्स जो है वो उनसे छोटे हैं, यानी कि 7, 11, 13 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा, 7, 11, 13 थर्ड ऑप्शन में दे रखे हैं, ये उनके कजिन्स की उम्र है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको किसी भी चैप्टर में नहीं मिलेगा, ये आपको प्रैक्टिस सेट लगाने से ही आपको पता चलेगा कि इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। राजेश की आयु राधा की आयु की दोगुनी है, राधा की आयु उसके पिता रमेश की एक तिहाई है, तो रमेश 36 वर्ष का है, राजेश की आयु कितनी है? अब रमेश कितने का है, 36 का है, उसने क्या बोला, राधा की आयु जो है उस रमेश की आयु की एक तिहाई है, मतलब इसकी एक तिहाई, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 12 वर्ष जो है वो राधा की आयु है। अब राजेश की आयु राधा की आयु की दुगुनी है, 12 की दुगुनी, यानी कि 24 वर्ष है राजेश की आयु, जो कि हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि एक आयत की लंबाई को 10% और चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? तो आयत का क्षेत्रफल बढ़ेगा 110 क्यों लिखा, क्योंकि लंबाई 10% बढ़ी, गुणे चौड़ाई कितनी, 20% बढ़ी, यानी कि 120, अभी पता चल जाएगा, तो 120 में 110 का गुणा करेंगे तो आएगा 132,000, कितना बड़ा, 32 बड़ा, ठीक है ना, 100 तो पहले ही भी रहता था, 32 ही बड़ा, यानी कि 32% जो है उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नल ए एक टैंक को 5 घंटे में भरता है, बी उसको 15 घंटे में भरता है, सी उसको 10 घंटे में खाली करता है, तीनों एक साथ खोले गए तो टंकी कितनी देर में भरेगी? बहुत ही सरल है, 5 घंटे में भरता है, यानी कि 1/5, नल बी उसको 15 में भरता है, यानी कि प्लस का 1/15, अब यहाँ सी जो है वो खाली कर रहा है, यानी कि इसको घटाएंगे 1/5,
दस बराबर, तीनों का एलसीएम आएगा 60, सॉरी 5 का भाग देंगे 60 में तो 12 पंजे 60, प्लस 15 का भाग देंगे तो 15 चौक 60, माइनस 10 का भाग देंगे तो 10 छक 60, 12 और 4 16, 16 में से 6 घटाएंगे तो आएगा 10, तो 10 बटे 60 जो है वो हमारा आंसर है, यानी कि 10 से 60 काट देते हैं, कितने देर में भर जाएगी, 6 घंटे में टंकी भर जाएगी। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 9 दिन में कर सकता है, वे दोनों एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन ए काम को बीच में छोड़ देता है, शेष बचे काम को बी 3 दिन में पूरा करता है। ए और बी ने साथ में कितने दिन काम किया, मान लेते हैं एक्स दिन काम किया, ठीक है ना, तो एक्स बटे ए कितने दिन में करता है, 18 में, तो एक्स के बटे में आ जाएगा 18, प्लस अब बी ने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, यानी कि एक्स दिन तो काम किया ही किया, प्लस 3 दिन और काम किया, बी कितने दिन में करता है, 9 दिन में करता है, तो बटे में 9, टोटल काम कितना, टोटल काम होता है 1, दोनों का एलसीएम 18, बटे में 18 लिखेंगे, फिर आगे चलकर एक का एक में गुणा करेंगे, सही, इसलिए मैं डायरेक्ट 18 का इधर गुणा कर देता हूँ। अब 18 का 18 में भाग देंगे तो 1, एक का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स ऐसा का ऐसा है, प्लस 9 का 18 में भाग देंगे तो 2, 2 का ऊपर गुणा कर देते हैं तो 2x, प्लस 3 दूनी 6, तो एक्स और 2x जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, बराबर ये 6 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, 18 में से 6 घटा तो 12, तो 3 से भाग देते हैं, 3 चौक 12, एक्स का मान क्या है 4, यानी कि 4 दिनों तक उन्होंने साथ में काम किया था, 4 जो है हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगले 4 वर्षों में सम्यक की आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की 6 गुनी हो जाएगी। अगले 4 वर्ष में, यानी कि +4, उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु की, यानी कि -6, तो टोटल बात कर रहा है वो 10 वर्षों का अंतर है, तो 10 वर्षों के अंतर में उसकी 6 गुनी हो जाएगी, यानी वर्तमान आयु उसकी हो जाएगी 2, वर्तमान मतलब 2 जो थी वो 4 वर्ष पहले उसकी आयु जो थी वो, या 6 वर्ष पहले उसकी जो आयु थी वो 2 वर्ष थी, और अभी फिलहाल 6 वर्ष बाद उस या 4 वर्ष बाद उसकी आयु हो जाएगी 12, तभी उसकी 6 गुनी हो रही हो, ठीक है ना, तो अभी वर्तमान आयु कितनी है, तो ये जो है ये उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु है 2 वर्ष, तो वर्तमान है 2 प्लस 6, यानी कि 8 वर्ष जो है उसकी वर्तमान आयु है। थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन है, बाकी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सरल है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना है, संपूर्ण कक्षा द्वारा प्राप्त अंकों का औसत इतना है, तो कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में हम मान लेंगे कि लड़कों की संख्या जो है वो लड़कियों की संख्या मान लेते हैं जी, है ना, गर्ल्स है तो ये जी हो जाएगा, ये मान लिया जी, और लड़कों की संख्या बी मान लेते हैं, बी फॉर बॉयज़ हो जाएगा। अब इनका औसत अलग अलग दे रखा है तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे, तो 73.2 में ये गर्ल्स का है तो जी का गुणा कर देते हैं, तो 73.2 जी हो जाएगा, प्लस 71.8 जो है वो बॉयज़ का है तो 71.8 में मैं बी का गुणा कर देता हूँ, ये आ गया कुल अंक, पूरे स्कूल के कुल अंक, ठीक है, पूरी कक्षा के सॉरी, बटे में हम टोटल संख्या से भाग दे देंगे, यानी कि गर्ल्स प्लस बॉयज़ जितने भी हैं उनसे भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा, कुल औसत आ जाएगा पूरी कक्षा का औसत, जो कि हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, 72.8 दे रखा है, इसको जब हम हल करेंगे तो हमको यह अनुपात प्राप्त हो जाएगा। हल कर देते हैं तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ये 73.2G प्लस 71.8B बराबर 72.8G भी हो जाएगा, प्लस 72.8B भी हो जाएगा। अब ये गर्ल्स को इधर से उधर भेजते हैं, है ना, तो गर्ल्स को इधर से उधर भेजेंगे तो गर्ल्स माइनस की हो जाएगी, अब ये 72.8 माइनस का होगा 73.2 में से, तो घटाएंगे ये तो क्या बचेगा, 0.4 बचेगा, 8 और 4 12 बराबर 0.4G बचेगा, है ना, गर्ल्स बराबर 71.8 जो है ये भी प्लस का उधर से इधर आएगा तो माइनस का,
तो ये क्या बचेगा, ये बचेगा 1b। ठीक है, अब हमको निकालना है लड़कों बटे लड़कियों की संख्या, यानी कि बॉयस बटे गर्ल्स। तो यहाँ बी के बटे में जी को लिख देता हूँ और ये वन जो है उधर चला जाएगा, तो 4/10 हो जाएगा। 10 क्यों, क्योंकि दशमलव हटा है तो बटे में 0 आ गया। तो 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10, 2:5 जो है वो इनका अनुपात आ गया, जो कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। 12 खिलाड़ियों की एक टीम का औसत भार 72 किलोग्राम है। अब कप्तान का भार इसमें मिला देने से औसत में 1 की बढ़ोतरी हो जाती है। तो कप्तान का भार कितना है, तो कप्तान का भार नया औसत क्या हो जाएगा, औसत की 1 बढ़ोतरी हो जाएगी। तो कप्तान का भार 73, पहले तो 73 क्या है, ये नया औसत हो जाएगा। अब जितने 12 खिलाड़ी है इसमें 12 भी जोड़ेंगे, क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि प्रत्येक के औसत में वृद्धि हुई है। तो 12 खिलाड़ियों की संख्या जोड़ देते हैं और नया औसत जोड़ देते हैं, तो टोटल जो भी आएगा वो उसकी आयु आ जाएगी कप्तान की, जो कि 85 वर्ष है, 85 किलोग्राम है सॉरी उसका वजन। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 5:9:4 के अनुपात में है, तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो इनको हमको क्या है, एक ही अनुसार जमाना है, यानी कि 50 सबको 1 रुपये में बदल देते हैं अनुपातिक मान के अनुसार। ठीक है ना, अनुपातिक मान मान लेते हैं एक्स एक्स एक्स, ठीक है, कितने सिक्के हैं इनके, तो कितने रुपये हो जाएंगे, तो 5x/2 क्यों, क्योंकि 1 रुपये में 1/50 पैसे हैं, इनको रुपये में कन्वर्ट किया तो 1/2 ही होगा, 50 पैसे में 1/2 रुपये होंगे, 25 पैसे में 1/4 रुपये होंगे और 10 पैसे में 1/10 रुपये होंगे। तो इसी प्रकार से इनको जोड़ देंगे, प्लस 9:9 है तो 9x/4 प्लस इस 1/10 वाले का अनुपात क्या है, 4x, तो 4x/10 ये हो जाएंगे कुल रुपयों की संख्या। अब ये इसको जब आप हल करोगे एलसीएम लेके, तो आपका आंसर आएगा 103x, मैंने हल कर लिया है, 103/20x। ठीक है, बराबर में कितने दे रखे हैं, बराबर में कितने दे रखे हैं, यहाँ दे रखे हैं ये 206 रुपये, अंग्रेजी में दे रखे हैं, हिंदी में वो देना भूल गया, 206 रुपये। तो 103 से काट देते हैं, 103 × 206, 20 का 2 में गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 40। तो x का मान क्या आया है, 40। उसने क्या पूछा है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है उसने, तो 25 पैसे यानी कि 9x, यानी कि 9 का 40 में गुणा कर दीजिए, 9 × 36, 360 जो है वो हमारे आंसर है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाँ, अगला प्रश्न है, 1 20 लीटर अम्लीय विलयन की शुद्धता 90% से 95% शुद्ध बनाने के लिए कितने अम्ल की आवश्यकता होगी। तो 20 लीटर विलयन है, ठीक है, 90% जो है इसमें अम्ल है, तो 20 का 90% मतलब 9 × 2 = 18, और 2 लीटर क्या है इसमें, 2 लीटर पानी है। अब ये बोल रहा है कि 95% शुद्ध बनाने के लिए, तो मान लेते हैं कि x, तो इसमें क्या जोड़ेंगे, x जोड़ेंगे, तब ये कुल विलयन का 95% हो जाएगा। कुल विलयन कितना हो जाएगा, कुल विलयन हो जाएगा 20+x, तो 20+x का 95%, यानी कि 95/100 बनाने के लिए, तो बराबर में क्या रहेगा, बराबर में आ जाएगा 18+x। इसको हल कर लेते हैं, तो 5 से कटेगा तो 19×95 ये आ जाएगा, 20×5 = 100। ठीक है, तो 19 × 38 380 प्लस 19 × 19x बराबर 18 × 36 360 प्लस 20 × 20x। ठीक है, ये 19 उधर से इधर का आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और घट के क्या बचेगा, सिर्फ x ही बचेगा, 360 भी उधर से इधर आएगा तो माइनस का, 380 में से 360 घटा तो 20 लीटर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर आईपैड और टैबलेट को सम्मिलित रूप से 59 USD में बेचा जा रहा है। आईपैड को 39 USD की दर से खरीदा गया, जिस पर 30% का लाभ मिला, और टैबलेट्स को 11 USD की दर पर खरीदा गया, तो टैबलेट्स पर मिलने वाले लाभ या हानि कितनी होगी।
ये भी सरल ही प्रश्न है, बस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। टेबलेट और आईपैड को संयुक्त रूप से बेच रहे हैं 59 में। खरीदा आईपैड को खरीदा था 39 में और उस पर 30% का लाभ हो रहा है। मतलब 39 पर 30% का लाभ हो रहा है, यानी कि 39 को बेच रहे हैं गुणित 130 बटे 100 में, यानी कि उसको कितने में बेच रहे हैं, 13 नमा की 117 11 13 तीन 39 50 में, 50.7 रुपये में इसको बेच रहे हैं आईपैड को। और ये किसके अंदर है, ये उसी के अंदर सम्मिलित मूल्य, यानी कि आईपैड का मूल्य तो हमको पता चल गया 50.7 में बेच रहे हैं। अब टेबलेट को कितने में बेच रहे हैं, तो सम्मिलित में से आईपैड वाला मूल्य घटा लेते हैं, तो 59 में से जब मैं इसको घटाता हूँ तो आंसर आते हैं 8.3, यानी कि 8.3 में बेच रहे हैं, जबकि खरीदा कितने में था, 11 में खरीदा था। यानी हानि हो रही है कितने की हो रही है, 2.7 की, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100 से कर देंगे, तो हानि यानी कि 2.7 बटे क्रय मूल्य यानी कि बटे में 11 गुणित 100, तो हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100, इसको अब जब हम हल करते हैं तो आंसर आता है 24.55% की हानि। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दस और तीस के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा? तो 10 और 30 के बीच अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है, तो 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये 6 संख्या है, इनका औसत यानी कि इन 6 को जोड़ना है, तो 11 और 19 हो जाएगा 30, 30 और 30 60, 60 और 20 80 और 100 112, 112 बटे 6 संख्या है, तो 6 एकम 6 18.66 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। शालू के जन्म के समय उसके पिता की आयु 38 वर्ष थी, जबकि उसकी माता की आयु 36 वर्ष थी। कब? जब उसका भाई पैदा हुआ जो कि उससे 4 वर्ष छोटा है। उससे 4 वर्ष छोटा है, उस समय उसकी माँ की आयु 36 वर्ष थी, यानी कि जब वो पैदा हुए जब उसकी माँ की आयु 32 वर्ष होगी, 4 घटा देते हैं। ठीक है, माता पिता की आयु का क्या अंतर है, तो 32 और 38 का अंतर क्या है, 6, तो 6 वर्ष है उनकी आयु का अंतर। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। ए और बी के बीच की दूरी 40 किलोमीटर है। व्यक्ति ए से 10 बजे पूर्वाह्न चलना शुरू करता है और बी की ओर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। एक व्यक्ति बी 11 बजे एक से 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से शुरू करता है, ए की ओर बी से शुरू कर रहा है वो। अब ध्यान रखना, एक तो 10 बजे ही चल पड़ा और एक 11 बजे चल रहा है, यानी कि 1 घंटे तक तो ये अकेला ही चला, 1 घंटे तक अकेला चला, यानी कि तब दूरी कितनी रह गई, 40 में से 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चला होगा, तो 40 में से 4 घटा देते हैं, तो दूरी रह गई अब 36 किलोमीटर। अब ये वाली दूरी जो है ये दोनों मिलकर तय करेंगे, क्योंकि तब तक 11 बज गई और 11 बजे ये भी शुरू हो गया, तो 5 और 4 9, दोनों की दूरी दोनों की चाल जोड़ लेंगे, तो 9 जोड़ लेते हैं, 9 का भाग दे देते हैं, तो कितना टाइम लगेगा, 4 घंटे में दोनों मिल जाएंगे। 4 घंटे मतलब 11 प्लस 4, तो कितनी बच जाएगी, 11 प्लस 4 मतलब 3 बज जाएगी, तो 3 बजे जो है वो ये मिल जाएंगे, 3 जो है हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। निम्न दिए गए 4 पतों में से एक समान नहीं है, कौन सा? तो मिलाते हैं, पहले मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ये फर्स्ट ऑप्शन है, पॉज कर लीजिएगा, ये सेकेंड ऑप्शन है, फिर पॉज कर लीजिएगा, ये थर्ड ऑप्शन है, सॉरी थर्ड को किससे मिलाओगे, ये थर्ड है, इसको फिर से पॉज कर लीजिएगा, ये फोर्थ है, इसको फिर से पॉज कर सकते हैं। ठीक है, आराम से देखिएगा पॉज कर करके, मैं भी आपको डायरेक्ट मैं भी देख लेता हूँ कितने, आप देख लीजिए। हेकनी राइट्स, हेकनी राइट्स, एल बी लेविन सेम, एल बी लेविन सेम, वन एरोस हाउस कैटफोर्ट एस, वन एरोस हाउस कैटफोर्ट एस, बिल्कुल सही है फर्स्ट वाला। चलिए फर्स्ट सही है, अब हम सेकंड को मिला लेंगे क्योंकि फर्स्ट सही है। हेकनी राइट्स, एल बी लेविन सेम, एल बी लेविन सेम, वन एरोस हाउस, वन एरोस हाउस कैटफोर्ट एस सिक्स फोर जी, सेकेंड भी सही है, सेकेंड से साथ थर्ड को मिला देते हैं। हेकनी राइट्स, ये हेकनी राइट्स, एल बी लेविस है,
एल बी लेवी शेम, वन ए हीरोज हाउस, वन ए हीरोज हाउस, कैटफोर्ड ए सी सिक्स फोर ई जी कैटफोर्ड, ये गलत है। ये देखिए एफ ओ आर डी है, यहाँ एफ ए आर डी है जो कि गलत है, यानी कि थर्ड वाला जो है वो गलत है। अब ये किस ऑप्शन में दे रखा है देखते हैं नीचे, ये दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन में। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। वाकई में ये वाला सेट तो बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है मेरे को और बहुत लेंदी भी लग रहा है। एक आदमी सूर्यास्त की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, सूर्यास्त की दिशा में यानी कि पश्चिम दिशा में। तो पश्चिम के लिए मैं पहले तो आपको मैप बना दूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। यानी कि पश्चिम की दिशा में चलता है, यहाँ से चलना शुरू करवाते हैं इसको पश्चिम की दिशा में। 5 किलोमीटर चलता है, ये 5 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर जो है इसका दाया उधर है, वह 3 किलोमीटर चलता है, तो ये 3 किलोमीटर हो गया इसका। वह पुनः बाईं ओर, पुनः कहाँ बाईं ओर मुड़कर यानी कि इधर मुड़ता है, 3 किलोमीटर को चलता है, तो ये 3 किलोमीटर चला। अंततः वह बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चलकर रुक गया, बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चलकर रुक गया। उसके चलने के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी कितनी होगी, यानी कि ये वाली दूरी हमको निकालनी है। मुझे लग रहा है कि हिंदी और अंग्रेजी में कुछ मिस्टेक है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड सवाल ये नहीं दे सकता। देखते हैं अंग्रेजी। A man starts to walk towards sunset. He walks for 5 kilometers, यानी कि वही 5 किलोमीटर चलना है, and turns right यानी कि वही दायां, और 3 किलोमीटर, he walks for 3 किलोमीटर, then turns left, फिर वही बायां चला और 3 किलोमीटर चलता है, देन अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर्स। हाँ, यहाँ गड़बड़ हो गई, फिर वह बाया मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, ही टर्न्स लेफ्ट वॉक्स फॉर 6 किलोमीटर्स, फिर ये इधर ही मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। अब 3 और 5 8 था पहले, और अब ये 6 किलोमीटर चला, बचा कितना, इधर 2 किलोमीटर और बचा, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की 2 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नीचे दी गई श्रृंखला में अक्षरों संख्याओं का क्रम नहीं थे, गलत संयोजन पहचाने। गलत संयोजन पहचानना है एम पी ओ पी आई 921 एम पी ओ, एम पी ओ पी आई 921 एम पी ओ, एम पी ओ पी आई 921 एम पी ओ, ये यहाँ मिल गया, एन पी ओ ले रखा है यहाँ पर, और हर जगह एम लिखा हुआ है, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, तो फोर्थ जो है जो कि सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है वही हमारा आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न, सॉरी आगे चलकर हमारा अगला टॉपिक मिल गया हमको, साइंस एंड सिंपल अर्थमेटिक। थैंक गॉड कि ये 30 प्रश्न ख़त्म हो गए, वाकई में मैं बहुत ज़्यादा बोर हो गया था, बहुत ज़्यादा थक गया था, मतलब सॉरी, क्योंकि बहुत कठिन कठिन प्रश्न और बहुत ज़्यादा लेंदी बड़े बड़े कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन जो है इस बार मुझे देखने को मिले। अब तक के सभी सेट में मेरे अनुसार ये सेट बहुत ज़्यादा टफ रहा। आप बताइए आपको ये सेट कैसा लगा, कितने नंबर आए आपके इसमें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।